दीवानी कचहरी के अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज कराने का मामला गुस्साए अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी किया हड़ताल। बता दें कि यह पूरा मामला मऊ जनपद के दीवानी कचहरी का है, जहां के अधिवक्ता वीरेंद्र बहादुर पाल के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम पुलिस विभाग के लोगों द्वारा किया गया है, जिससे आक्रोशित अधिवक्ताओं द्वारा जहां कल धरना प्रदर्शन करने का काम किया, तो वहीं आज दूसरे दिन भी सारा काम का छोड़कर अधिवक्ताओं ने हड़ताल करते हुए अपना विरोध जताने का काम किया है। वहीं इस मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए अधिवक्ता ने बताया कि कितने दिन चल रहा है, क्या पूरा मामला है? कल से हड़ताल चल रही है। पूरा मामला यह है कि हमारे बार के सम्मानित अध्यक्ष श्री वीरेंद्र बहादुर पाल जी के खिलाफ एक फर्जी और मनगढ़ंत मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया है। उनके उनके भाई को और उनके एक और आदमी को, उसके खिलाफ यह हड़ताल चल रही है। यह एकदम फर्जी और बोगस FIR है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग काम धाम कर रहे हैं कि पूरी तरह से काम धाम? पूरी तरह कचहरी बंद है और गेट बंद करके हम लोग अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। कब तक ये अनिश्चितकाल तक चलेगा? जब तक प्रशासन द्वारा मुकदमा उनका वापस नहीं लिया जाता। और हाँ, आपको बता दें, एक मजे की बात इसमें है कि जो जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है, अध्यक्ष जी के भाई को, जिस तारीख में उसको बताया, उनको बताया जा रहा है कि इन्होंने रंगदारी मांगी पिस्टल सटा के, उससे 10 दिन पहले वो विदेश में है, कनाडा में शायद है, और विदेश से आकर आदमी पिस्टल सटा कर रंगदारी मांग रहा है और फिर विदेश चला जा रहा है। ये एक मजे की बात है। इतनी घोर अनियमितता हुई है इस FIR में। मतलब पूरी तरह से फर्जी मामला है। पूरी तरह से फर्जी एवं बोकस मामला है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और अंजाम तक पहुँचने तक लड़ेंगे। आप लोग किस लिए धरना कर रहे हैं, क्या वजह है पूरा? हमारे बार के सम्मानित अध्यक्ष जी श्री वीरेंद्र बहादुर पाल जी पे एक पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जो कि वास्तविकता से बहुत परे है। इससे सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। जो भी मुकदमा दर्ज किया गया, जो घटना बताया गया है, उनके भाई घटना के समय एक सप्ताह पहले से ही कनाडा में है और अध्यक्ष जी भी वहाँ मौजूद नहीं थे। ये सारी घटना काल्पनिक है, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है? ये हम लोग निरंतर ये जारी रहेगा, अगर जब तक जो है प्रशासन जो है आके SP महोदय माफ़ी नहीं मांगते हैं और अपने ऐसे कुकृत्य जो किए हैं उसके लिए आके माफ़ी मांगे बार से, और ये मुकदमा जब तक रिस्पंज नहीं हो जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। काम धाम चल रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। वादकारी लोग आए हैं, वादकारी लोग को जो भी तारीख है इन्हें फ़ोन करके बता दिया जाएगा। ये लोग जैसे आते हैं, हम लोग के भगवान हैं, इन लोग को हम लोग मानते जानते हैं, तो इन लोग को समझा बुझा के वापस कर दिया गया है। और जो भी डेट लगेगी फ़ोन करके बता दीजिएगा। कोई कार्रवाई ऐसी अनुचित कार्रवाई फाइल में नहीं होगी, ये लोग निश्चिंत रहें।